हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजी क्लास इलेवेंथ चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द टर्म बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी की हमने बात करी थी हमने ये बोला था जितनी भी स्पीशीज प्लांट की एनिमल्स की अर्थ पे प्रेजेंट है उन सबको हम क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी भले वो फ्लोरा हो फोना हो ऑल आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के अप्रॉक्सीमेटली हमने रेंज बोली थी 1.7 पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट बिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है जो अपटिल नाउ हम सारे डिस्कवर कर चुके हैं येट बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है जो डिस्कवर्ड होती जा रही है ये भी हमने बात करी थी अब अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ को अगर हम सिंगल सिंगल अगर हम पढ़ने जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क हो जाएगा ये जो कि पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए तो सबको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं चीज़ों को क्लासीफाई कर देते हैं पर्टिकुलर ग्रुप बना देते हैं सिमिलारिटीज के बेस पे, जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको पर्टिकुलर एक ग्रुप में रख देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं इसे द ह्यूज नंबर एंड द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक इट डिफिकल्ट टू स्टडी बहुत ज़्यादा नंबर होने की वजह से हम हमें क्या होता है कि उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है देयर फॉर देयर अराइज ए नीड टू क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इसलिए हमारे पास में क्या ज़रूरत है चीज़ों को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है इन टू डिफ़रेंट कैटेगरीज टू देयर स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स उनके स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स के बेस पे हम कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड कर देते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफ़रेंट कैटेगरीज क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर देते हैं थिंग्स को पुट कर देते हैं ऑन सम समजिल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स को हम ईजिली ऑब्जर्व कर दे करते हैं उनके बेसिस पे हम कैटेगरीज में सारे लिविंग थिंग्स को डिवाइड कर देते हैं या फिर ग्रुपिंग कर देते हैं नेक्स्ट है नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी तो एक तो हम बोल सक सकते हैं कि कन्वीनियंस ऑफ स्टडी स्टडी के लिए कन्वीनियंट हो जाए क्योंकि सबको अलग अलग पढ़ना तो इम्पॉसिबल चीज़ है तो हम सबके बारे में नॉलेज हो हमें तो इसलिए हम क्या करते हैं कैटेगरीज बना देते हैं तो अब हमें हमारे पास में क्या हो गया है? कि हमें सिर्फ कैटेगरीज को पढ़ना है सारे ऑर्गेनिज्म को एक एक करके स्टडी नहीं करना है नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अडाप्टशन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स में कौन किस तरह से अडेप्टन होता है वो भी हमको क्लासिफिकेशन की हेल्प से पता चलता है नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन बहुत सारे इवोल्यूशन का नॉलेज भी इस चीज़ से हमें पता चलता है डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स कोई भी ऑर्गेनिज्म नई नया डिस्कवर हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास में कैटेगरीज डिवाइडेड हैं तो उसके बेसिस पे हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं नोन कैटेगरी में पुट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर नेक्स्ट इट बिकम्स इजी टू नो द फीचर ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप ये सबसे एक ईजी चीज़ है कि आपने क्या कर लिया एक कैटेगरी है उस कैटेगरी में पर्टिकुलरली आपने एक या दो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया तो उन एक या दो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ईजी चीज़ हो गई है अब अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था अर्लियर क्लासेस में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था आर एच विटाकर ने दिया था आर एच विटाकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थी जितनी भी डाइवर्सिटी थी उसको पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया था कौन कौन सी फाइव किंगडम थी मोनेरा, प्रोटेस्टा फंजाय, प्लांटे एनिमेलिया ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटाकर ने अब इस वीडियो में मेनली आपको पढ़ना है थ्री डोमेन ऑफ लाइफ क्या होता है थ्री डोमेन ऑफ लाइफ या फिर हम कह सकते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे आपको मेनली ये पढ़ना है ये दिया था इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल कार्ल कार्वूज साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था ये थ्री डोमेन बोल रहे हैं मतलब कितने हैं तीन डोमेन सबसे पहला डोमेन है बैक्टीरिया नेक्स्ट डोमेन है आर्किया थर्ड डोमेन है यूकेरिया तीन डोमेन प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं थ्री डोमेन अब अगर हम पर्टिकुलरली एक एक डोमेन की बात करें तो जो बैक्टीरिया डोमेन है इसके अंदर एक किंगडम प्रेजेंट होता है दैट इज़ यू बैक्टीरिया ये एक किंगडम है आर्किया अगर हम देखें तो आर्किया के अंदर एक और किंगडम होता है इसके अंदर होता है आर्की बैक्टीरिया इसके अंदर एक किंगडम प्रेजेंट है आर्किया के अंदर एक किंगडम प्रेजेंट है यू की बात करें तो यू के, के अंदर कितने किंगडम प्रेजेंट है फोर किंगडम प्रेजेंट है तो अगर हम देखें टोटल तो फोर प्लस वन प्लस वन टोटल कितने हो गए सिक्स इसलिए इसे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है आई होप क्लियर हो गया होगा थ्री डोमेन ऑफ लाइफ या फिर कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दोनों सिमिलर चीज़ें हैं बैक्टीरिया आर्किया यूकेरिया ये तीनों डोमेन्स के नाम बता रखे हैं आपको सिमिलरली इसी के अंदर कौन कौन सी किंगडम आती है तो हमने देखा आर्की बैक्टीरिया किसके अंदर आता है आर्किया डोमेन के अंदर यू बैक्टीरिया किसके अंदर आता है बैक्टीरिया डोमेन के अंदर और हमने देखा है यू कैरिया डोमेन उसके अंदर ये चार किंगडम आते हैं दैट इज प्रोटेस्टा फनजाय प्लांट्स और एनिमल्स अब हम सारे डोमेन्स को पर्टिकुलरली समझते हैं द डोमेन आर्किया सबसे पहले आर्किया डोमेन के बारे में समझते हैं इंक्लूड्स प्रो कैरियोटिक ऑर्गैनिज्म इसके अंदर बेसिकली कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रो कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक किसे बोलते हैं हम जिसके अंदर वेल डेवलप्स न्यूक्लियस नहीं होता है या फिर हम कह सकते हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्स सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इट कंटेन सिंगल किंगडम ये बात करी थी हमने आर्किया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम होती है दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया ये किंगडम का नाम है नेक्स्ट दिस किंगडम इंक्लूड प्रो कैरियरस ये बताया हमने इसके अंदर प्रो कैरियर आते हैं वो प्रो कैरियर भी कौन से आते हैं विच लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन जो बहुत ही एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन में प्रो कैरियोड्स मिलते हैं वो सारे आर्किया डोमेन के अंदर आते हैं इंक्लूड्स मिथेनोजेंस हेलोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मिथेनोजन्स किसे बोलते हैं हम जो बेसिकली कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो मार्शी एरियाज में मिलते हैं आपको हेलोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में आपको मिलते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है थर्मो एसिडोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं जहाँ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स होती है इन्वामेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया ही एक ऐसे मेम्बर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं नेक्स्ट हैं द डोमेन बैक्टीरिया पहला डोमेन हमने पढ़ा है आर्किया नेक्स्ट डोमेन हम देख रहे हैं बैक्टीरिया द बैक्टीरिया डोमेन कंसिस्ट ऑफ टिपिकल प्रो इसके अंदर भी कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रो दैट लाइक मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर सेल मेम्बरेन नहीं होता है सेल मेम्बरेन ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स गोल्जी अपैरेटस ये सब इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है न ही इनके पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं प्रो बोलते हैं नेक्स्ट इट हैज अ सिंगल किंगडम एक ही किंगडम प्रेजेंट होता है एक किंगडम कौन सा है इसके अंदर यू बैक्टीरिया नेक्स्ट द मेम्बर्स ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया आप जानते हैं बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा माइक्रो को बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन जो विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है सर्वाइव कर सकता है और एक्टिनोमाइसिट्स साइनोबैक्टीरिया या फिर बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एलगे ये सारे यू बैक्टीरिया के मेम्बर्स हैं नेक्स्ट है द डोमेन यू कैरिया दो डोमेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सबसे पहला डोमेन हमने पढ़ा आर्किया नेक्स्ट डोमेन हमने पढ़ा है बैक्टीरिया अब थर्ड डोमेन हम देख रहे हैं यू कैरिया यू कैरिया के अंदर कितनी किंगडम्स आती हैं फोर किंगडम्स इसके अंदर कौन कौन सी फोर किंगडम्स आती है प्रोटेस्टा फन प्लांटे एनिमेलिया ये सारी किंगडम्स का हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर यू कैसे होते हैं इसके मेंबर्स यू होते हैं मतलब इनके पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर और इनके पास में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अपराटस वैक्यूल्स लाइजोजोम्स ये सारे सेल ऑर्गनल्स इनके पास में प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल हमने इस वीडियो के अंदर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़े हैं तीन डोमेन कौन कौन से पढ़े हैं हमने यू कैरिया आर क्या बैक्टीरिया थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ को ही हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं जो दिया है कार्ल वोस ने थैंक यू And don't forget to like, share and subscribe.